दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि कोई भी सिम कार्ड हो, इस सिम कार्ड को अपने नाम पे कैसे कराएं। दोस्तों इस सिम कार्ड को अपने नाम पे कैसे कराएं सबसे बड़ी सवाल है, और इसके साथ साथ इससे होने वाले नुकसान पहले आप जान जाइए, तो मैं बताता हूँ कैसे अपने नाम पे करा सकते हैं। इससे होने वाले सबसे बड़ा नुकसान, यदि उस सिम कार्ड को आप यूज कर रहे हैं, उस सिम कार्ड को आप बैंक में यूज कर रहे हैं, उस सिम कार्ड को आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, उस सिम कार्ड को आप हर जगह यूज कर रहे हैं और आप नहीं जान रहे हैं कि वो नंबर किसके नाम पे है, आपको भी डाउट है कि वो नंबर मेरे नाम पे है या नहीं है, यदि है फिर भी आपके मन में डाउट है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो नंबर यदि बंद हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी नुकसान ये होती है कि वो नंबर कभी भी चालू नहीं कर पाएंगे आप। यदि वो नंबर किसी दूसरे के आईडी से शो होता है, तो कोई भी रिटेलर या कोई भी ऑफिस वाला उसको ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि वो मैच करेगा तभी ओपन होगा। जब सिम कार्ड डैमेज हो जाता है या खो जाता है या गुम हो जाता है, तो लोग उस नंबर को निकलवाने जाते हैं, तो उस नंबर जिसके आईडी पर रहता है हम खुद निकालते हैं, मुझे बहुत साल का अनुभव है, तो उसका नंबर जब निकालते हैं तो उसका जो नाम शो करता है कि इस नाम से ये सिम कार्ड है। जब नाम शो करता है उस नाम का आधार कार्ड लेते हैं हम लोग और उसको उस व्यक्ति रहता है तभी वो सिम कार्ड ओपन होता है, वो व्यक्ति रहेगा तभी सिम कार्ड ओपन होगा, तो ओपन कर देते हैं हम लोग आसानी से सिम कार्ड का बंद सिम नंबर जो भी रहता है ओपन हो जाता है। लेकिन यदि वो आपके नंबर पे नहीं है, नाम पे नहीं है, तो सिम कार्ड कभी भी ओपन नहीं हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद उसे आप ओपन नहीं करवा पाएंगे, जो सबसे बड़े नुकसान है। अब बात आती है कि मैं अपने नाम पे कैसे करा लूं? यदि आपका कोई भी सिम कार्ड है तो अपने नाम पे 100% जेन्युइन आप कैसे करा सकते हैं, उसके लिए उस नंबर को, जो भी आपके पास नंबर है, डाउट है, तो आपके पास जो भी सपोज डेट आपके पास जियो सिम है, एयरटेल या वीआई, तो जो भी नेटवर्क अच्छा बेटर है, आप डाटा चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, या चलाते हैं तो आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करिए, नियम रूल दूसरे कंपनी पर ट्रांसफ़र करिए, यही रूल होता है। यदि उस कंपनी जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रहा है, पहले होता था यूनिनार का जब आता था तो 10 रुपये लेकर हम लोग फिंगर लगाकर उसको जो है उसके नाम पे करते थे, अब वैसा ऑप्शंस नहीं है। उस कंपनी को आप क्या करिए कि उस कंपनी को पोर्ट एसएमएस भेजकर दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र होइए, अब उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी फ़ोटो खिंचाया जाएगी और 3 दिन के अंदर अंदर वो सिम कार्ड बंद होगा और दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र होगा, नंबर सेम रहेगा और आपके नाम पर भी हो जाएगा, हर जगह है उपलब्ध, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम रहेगा, आपके नाम पे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी से अभी तक आपके नंबर पे कोई मतलब जो नंबर है आपके नाम पे नहीं है, तो ये विकल्प से आप करा लीजिए, वरना बंद होने के बाद वो नंबर आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के तौर पे लिख देता हूँ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, और चैनल पर नए तो कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।